talking about ma'am, we would request again you to join us for the AV, but meanwhile, Ram sir, and of course, Dr. Modi ma'am, I would like to introduce you to join us. And please put your hands together for the next awardee of the evening, Sri Lakshya Ji from Spandan Group. Can we have the trophy? ओके स्टार्ट करूं ओके मदर्स डे स्पेशल है आज मॉम क्या कुछ कहना चाहोगे आप कितना स्पेशल आपके बेटों ने आप दोनों को फील कराया मैं तो हर रोज अपने आप को स्पेशली महसूस कराते हैं मेरे दोनों बच्चे तो कुछ खास नहीं है बट आज इन्होंने मेरे लिए कुछ प्लान रखा है यहाँ से जाने के बाद सरप्राइज है ओके सिद्धार्थ क्या कहना चाहोगे मदर्स डे मदर्स डे में आई थिंक आज मदर्स डे है और आज हमें इतना अच्छा मौका मिला कि हम इस फंक्शन को अटेंड कर पाएँ और हमारी मॉम जो और सबकी मॉम जो इतनी मेहनत करती है उनके यू नो एफर्ट को हम अप्रिशिएट कर पाएँ तो आई थिंक वी आर बोथ आर वेरी हैप्पी एंड दैट्स व्हाई हम आज मम्मी को यहाँ लेकर आए और दोनों आ गए मम्मी हमारे दिन को जितना स्पेशल बनाती हैं हर बार हम उतना स्पेशल तो नहीं बना पाते कभी पर हाँ मतलब मम्मी के जो ये मदर्स डे हम लोग जो सेलिब्रेट करते हैं हम हर बार कोशिश करते हैं कि इनको जितना हो सके उतना पैम्पर करें प्यार करें बाकी इनके प्यार के आगे तो हम लोग कुछ नहीं है अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में आप दोनों क्या कहना चाहोगे क्योंकि फैंस जानना चाहते हैं कि अब सिद्धार्थ और अभिषेक के कौन से नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं शाम को इन्होंने बताया मम्मी आज आपको एक अवार्ड फंक्शन में ले जाए तो मैं बहुत नर्वस थी क्योंकि मैं अभी तो इनके अवार्ड फंक्शन में गई पहली बार मेरे लिए तो मैं बहुत नर्वस हूँ सुनने में आया कि रोलेक्स गिफ्ट हुआ है तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे कितना अच्छा लगा कितना स्पेशल था वो मोमेंट ये तो मैं बोल नहीं सकती मैं पर शब्द ही नहीं है इसके लिए मैं इमोशनल हो जाऊंगी और मुझे अवार्ड मिलना मेकअप खराब हो जाएगा थैंक यू थैंक यू सो मच वैसे भी लेट अरे क्योंकि हम लोग नदी के यहाँ पे प्रदीप सर आज मदर्स डे है एंड आपकी माता जी भी आज यहाँ पे अवार्ड लेने के लिए साथ में आए हाउ इज इट फीलिंग एग्जैक्टली इट फील्स रियली गुड यार बिकॉज मैं जितना भी कर सकता हूँ मैं उतना करने की कोशिश करता हूँ अपनी माँ के लिए और वो तब भी मुझे डांटती रहती है नहीं यार ये सबसे बड़ी चीज़ जो उन्होंने मुझे मेरे लिए करी है मुझे पैदा किया है और मुझे झेला है इतने साल आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट थिंग एंड शी डिजर्व्स एवरी थिंग यार ऑल द मदर्स सारी माएँ सब कुछ डिजर्व करती हैं दुनिया में यार वैसे हमारी माँ हमारी दुनिया भी होती है तो आपके लिए आपकी माँ कितनी बड़ी दुनिया की अहमियत रखती है आई थिंक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे लिए मेरी माँ ही है लाइफ में और हर चीज़ यार मैं हर जो भी करता हूँ यही इन्हीं के बारे में सोच के करता हूँ एंड आई थिंक शी नोज इट इससे ज़्यादा क्या ही बोलूँ ओवर एक्टिंग मत करो ओवर एक्टिंग कर रही है यहाँ पे ये आप ये घर पे ऐसी नहीं है ये ओवर एक्टिंग कर रही है यहाँ पे
बोलो कुछ आप भी जो बोल रहे हैं। नहीं तेरे से पूछ लेते क्यों पूछो यार। क्या स्पेशल गिफ्ट मिला है प्रतीक से आपको? मदर्स डे की जरूरत नहीं है उसके लिए, ये रोज ही कुछ ना कुछ मिलता है। एवरी मैंने जैसे पोस्ट पे लिखा था एवरी डे इज मदर्स डे, सो एवरी डे शुड बी मदर्स डे। ये नहीं है कि सिर्फ मदर्स डे पे ही अपनी मम्मी को स्पेशल फील कराना है, रोज जूते भी खा लो कोई दिक्कत नहीं है यार, बट रोज प्यार भी दो। वो पता लगेगा आपको जल्दी। यार हिंट्स तो पूरे इंटरनेट पे फैली हुई है यार, जो मैंने नहीं बोला वो भी फैला हुआ है, तो और क्या हिंट दूं मैं, बट जो हो रहा है अच्छा है। थैंक यू सेलिब्रेट नहीं किया ऑनेस्टली। हमारे लिए एवरी डे इज मदर्स डे एंड फादर्स डे एंड यू नो चिल्ड्रंस डे, तो बस ये नाम दिया गया इसीलिए हम ये त्यौहार मनाते हैं एज अ मदर्स डे। बट मैं अपने मॉम को हर रोज़ उतना ही प्यार करती हूँ जितना आज मदर्स डे पे कर रही हूँ, तो देयर इज़ नथिंग स्पेशल, बट ऑब्वियसली दिया गया है नाम तो हम उसे और ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं। सो आई वुड लाइक टू से दिस टू ऑल वुमेन आउट देयर, स्पेशली मदर्स, दैट दे हैव टॉट देयर चिल्ड्रेन टू बी इंडिपेंडेंट, टू बी स्ट्रांग, विच आई रियली लाइक, एंड दैट्स व्हाट माय मदर टॉट मी। हैप्पी मदर्स डे। क्या कहना चाहोगे मैम आप, निकी आए दिन सबको प्राउड कर ही रही है और साथ ही साथ आपको भी बहुत ज़्यादा प्राउड करते हैं हमारे, बहुत प्राउड फील करती हूँ मैं, मुझे गर्व है अपने बेटी के ऊपर।
क्योंकि मुझे इतनी स्ट्रांग बेटी, जब वो बिग बॉस में गई तब मुझे मालूम चला कि मेरी बेटी कितनी स्ट्रांग है, मुझे खुद मालूम नहीं था। और मैं इतनी खुश हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इस दौर में मैं ऐसी बेटी की माँ हूँ, बहुत प्राउड फील करती हूँ। और मेरी बेटी जो तरक्की कर रही है तो मैं चाहती हूँ इसी तरह आगे तरक्की करती रहे। और ये दिन मेरे लिए आज स्पेशल है क्योंकि आज मुझे जो अवार्ड मिल रहा है निक्की की वजह से मिल रहा है, मेरी बेटी की वजह से जो मेरा सत्कार हो रहा है, तो मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ और मेरी बेटी के ऊपर मुझे बहुत नाज है। देखिए क्या स्पेशल गिफ्ट मिलने वाला है आज मॉम को आपकी तरफ से, क्या मिल चुका है? जो सरप्राइज है वो तो मैं ऑब्वियसली शेयर नहीं करूँगी क्योंकि मम्मी को फिर पता चल जाएगा। 15 मई को मेरे मॉम का बर्थडे है तो सरप्राइज धमाका, तभी डबल सरप्राइज मिलेगा। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में क्या कुछ शेयर करना चाहते हैं? अपकमिंग जैसे कि रिवील हो गया, मैंने एक बॉलीवुड मूवी का सॉन्ग किया हुआ है, तो मैं नाम रिवील नहीं करूँगी, प्रोजेक्ट कौन सा है वो रिवील नहीं करूँगी, बट ये डेफिनेटली बता रही हूँ इट्स अ सॉन्ग, बॉलीवुड मूवी सॉन्ग। और काफ़ी सारे सॉन्ग्स भी आ रहे हैं, पंजाबी सॉन्ग्स भी आ रहे हैं, कुछ रिवील नहीं कर पाऊँगी मैं अभी। माई मैसेज टू माई फैंस, आई लव देम अ लॉट, दे हैव बीन माई स्ट्रेंथ थ्रू आउट, आई लव देम। चलो एज माई मदर सेड कि जितना मॉम्स को रिकग्निशन मिले और देर अप्रिशिएटेड फॉर यू नो व्हाट दे डू उतना कम है, सो इट्स ग्रेट टू बी हियर एंड इट्स ग्रेट दैट यू नो मॉम गॉट दिस अवार्ड, आई एम वेरी हैप्पी। हाँ जी, जैसे कि हमने कहा कि औरत का एक ऐसा जेंडर है जिसको हर किस्म की इज्जत दुनिया से मिलनी ही चाहिए, वो डिज़र्व करती है। एक बड़े क्रिएटर के बाद एक माँ ही है जो दूसरी क्रिएशन दुनिया को पैदा करके देती है, और हमारा तो ट्रस्ट है बीइंग मदर फॉर वेमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड, वी हेल्प वेमेन। आई एम अ वुमन एक्टिविस्ट एंड आई प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ वेमेन एंड आई वांट वेमेन टू बी गिवन द ड्यू रिस्पेक्ट एंड द ऑनर एंड द लव दैट दे डिजर्व ड्यू टू देयर हार्ड वर्क इन लाइफ। I think it's not about just Mother's Day, but I think it's every day. You have to keep it up every day. It's important for you to make your mothers feel special every single day because, you know, they made sure that you came into this world safe and sound. So for me, Mother's Day is every day. Scared. Oh, I'm not scared, but don't ask too many funny questions. Well, it's a Mother's Day today. It's a good occasion today. How are you guys feeling when she's actually recognized by this award? You know, it feels like she doesn't want to be recognized. She's भागने की कोशिश कर रही हैं। I feel कि जब हम जाते हैं ना तो पेरेंट्स हमेशा जब हम बड़े होते हैं तो वो हमें अवार्ड्स पाते हुए देखते हैं। इट्स वेरी रेयर दैट अ सन कैन एक्चुअली सी हिज मदर गेट एन अवार्ड एंड आई एम वेरी ऑनर्ड, और ऐसी पहली बार हुआ है एंड आई फील एंड आई होप कि लाइफ में बहुत बार हो कि आपको कैमरे के सामने आना पड़े और आपको अवार्ड मिले। हाँ, एवरी टाइम। सो थैंक यू। यस, मेरे कुछ 5 अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ शोज हैं, वेब सीरीज़ हैं जो नेटफ्लिक्स पे आएगी, एक अमेज़ॉन पे आएगी, एक फिल्म है जो हॉटस्टार पे आएगी। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि जैसे OTT खुल गया है बहुत सारे अलग अलग किरदार हमें निभाने को मिल रहा है एंड आई फील कि इस बार जो अगस्त में मेरी जो शो रिलीज़ होने वाली है वो इंशाल्लाह बहुत बड़ी शो है एंड बहुत उम्मीदें हैं उससे।
So looking forward. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Cool. How do you track time from the... Where is that? अश्नूर नहीं है, मेरा नाम अश्नूर है. अश्नूर हमने इतना अच्छा नाम रखा, आपने उसको अश्नूर कर दिया. ऑफकोर्स बहुत एक्साइटेड है बिकॉज मदर्स डे होता ही है एक बहुत ही स्पेशल पर्सन के लिए, बहुत ही जो मेरी जगत जननी है उनके लिए. सो इट्स डेफिनेटली अ वेरी स्पेशल डे, अ वेरी स्पेशल मोमेंट एंड अ वेरी स्पेशल फीलिंग फॉर द फर्स्ट. मैम क्या कहना चाहोगी आप, कितनी एक्साइटमेंट है आज के दिन? हाँ गिफ्ट तो मिल गया है जो मुझे ज़्यादा पसंद था, और आज के दिन के लिए तो मैं क्या ही बोलूँ, बिकॉज इट्स सच अ प्राउड मोमेंट फॉर मी. शी ऑलवेज मेड अस प्राउड. आई थिंक हर बच्चा अपने माँ को प्राउड फील कराता है तो उसको बहुत ही अच्छा लगता है. सो आई एम सुपर सुपर हैप्पी एंड सुपर एक्साइटेड, सुपर प्राउड. Happy Mother's Day to all the wonderful women out there. All the Happy Mother's Day, baby. I'm coming 2 minutes. I love you too, baby. Happy Mother's Day to all the lovely mothers, all the superwomen out there. And I guess मदर्स को हम चाहे जितना भी सम्मान कर ले वो कम ही पड़ता है, बिकॉज आई नो एज अ फैक्ट माई मॉम, शी इज माई मदर, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, शी इज़ माई गाइडर, शी इज़ एवरी थिंग, एंड शी इज़ डन सो मच फॉर मी, शी इज़ सैक्रीफाइस सो मच फॉर मी इन माई करियर, दैट हाउ मच एवर क्रेडिट वी गिव टू हर इट्स लेस. वो 24/7 लगी रहती हैं टू लुक आफ्टर हर फैमिली, टू लुक आफ्टर हर चिल्ड्रन स्पेशली. सो आई मीन एटलीस्ट इफ नॉट लाइक It's not that one day that you need to celebrate with your mother. It's the entire year that you need to be grateful to her. Entire year, you should love her and respect her most of all. Thank you. और अगला अवार्ड है विद्रोह टू मैम रानी कर, आई वुड रिक्वेस्ट सचिन गर्ग जी एंड रानी कर जी टू कम फॉरवर्ड ऑन द डायस. बहुत अच्छा, आई थिंक ये फर्स्ट इवेंट है जो हम दोनों साथ में अटेंड कर रहे हैं, एंड बहुत अच्छा लग रहा है.
कितनी स्पेशल होती है ये मोमेंट आपके लिए, मदर्स डे के मौके पर ही हर दिन मदर्स डे को मदर को सरप्राइज देने चाहिए, क्या कहना चाहिए? ऑनेस्टली मुझे पता है कि ये वैलेंटाइंस डे के बारे में ये बोलते हैं, बट मदर्स डे रोज़ ही होता है मुझे लगता है, बिकॉज ऐसा तो नहीं है कि मॉम एक ही दिन मॉम का रोल निभाती है, तो आई थिंक मदर्स डे भी रोज़ ही निभाया जाना चाहिए. You want to do one at once? I'm so sorry. It's okay. You do one at once? Let's wait. It's okay. Our voice is reaching. Yeah. मैम क्या कहना चाहूँगी, आज सो स्पेशल गिफ्ट क्या मिला है आपको माता की तरफ से? ऑफकोर्स वो आए दिन कुछ ना कुछ करती रहती है, पर इनको बहुत टाइम हो गया, मम्मी झूठ बोल रही है, कुछ नहीं दिया मैंने मम्मी को, कुछ चाहिए भी नहीं है, सब कुछ है, ये है गुड तो सब कुछ है, ये है तो सब कुछ है, यू नो इससे ज़्यादा गिफ्ट क्या हो सकता है. शी इज़ माई फर्स्ट चाइल्ड, ये मेरी पहली मम्मी की आवाज़ आज बैठी है, कल मम्मी ने बहुत मस्ती कर ली. शी मेड मी अ मदर, वो मेरे लिए सबसे बड़ी गिफ्ट थी, मेरा पहला बच्चा है. अकाशा अब मम्मी अफकोर्स मम्मियाँ तो हम सभी को कवर करती रहती है, हमारी गलतियाँ हमारी चीज़ें सब कवर होती रहती है, अब बोल तो बोल गई है कि गिफ्ट कुछ नहीं मिला, तो आने वाले टाइम में कुछ प्लान है? हाँ, टेकिंग मी आउट फॉर डिनर राइट नाउ आफ्टर दिस ओनली, अभी एक्चुअली विल गो आउट एंड सेलिब्रेट समवेयर. मम्मी ने एक्चुअली खुद कल भी और आज भी मम्मी के प्लान्स थे, आज भी मम्मी का मैं प्लान कैंसिल करके तो विल डेफिनेटली गो आउट. ओके, अब तुम्हें क्रिसमस के बारे में क्या कहना चाहोगे, क्या कुछ नया आपकी ओर से देखने मिलने वाला है हम सबको? मेरी कुछ अभी आज से ही रिहर्सल शुरू हुई है, जो अगला प्रोजेक्ट है नागिन, गाने को बहुत पसंद किया था लोगों ने, आस्था और मेरा जो गाना है, तो हम फिर से आ रहे हैं एक साथ, वायु और वायु ने गाना लिखा है, तो आस्था और मैं आई थिंक कुछ ही दिनों में शूट है, तो वो और एक और डांस प्रोजेक्ट. लास्टली वन मैसेज टू योर फैंस, यही कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यार दिया है, एंड आई होप आप सबका मदर्स डे भी बहुत अच्छा गया हो, एंड गिव ऑल योर लव टू योर मॉम्स, बिकॉज मतलब वो तो करते ही होंगे, मॉम्स के बगैर मैं तो फंक्शन ही नहीं कर पाती मुझे लगता है, मतलब मम्मी अभी मैं मम्मी को रोज़ हर 5 मिनट में मुझे याद आता है कि अरे ये मुझे करना नहीं आता, ये नहीं आता, बिकॉज आई जस्ट स्टार्टेड ट्राइंग टू लिव बाय माई सेल्फ, आई एम द वेरी डिपेंडेंट, बट या हैप्पी मदर्स डे एंड कीप गिविंग अस ऑल द लव. But she was like, no, I'm all for you, take care of my ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बन जाता है, बिकॉज़ ये मेरी मॉम का अवार्ड है, तो आई थिंक सारे अवार्ड्स को अगर मैं कंसिडर करूँ तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि मैंने उनके लिए रिसीव किया, वो आ नहीं पाई थी बिकॉज शी इज़ अ लिटिल शाय, तो आई हैव जस्ट कम एंड आई फील वेरी वेरी हैप्पी, तो सबसे पहले घर जाने वाला हूँ और मुझे सेलिब्रेट होता हूँ. मैं कभी भी किसी भी माँ को अगर आप पूछोगे ना, तो मैं कोई भी बच्चा जब पूछता है तो वो हमेशा यही कहते हैं कि तू ही हमारा स्पेशल गिफ्ट है, बट मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि उन्हें कुछ अलग कुछ मीनिंगफुल दूँ और साथ में कुछ यू नो नॉटी सी चीज़ ऐसे दूँ कि जैसे उनको है ना पसंद आए, जैसे उनको सरप्राइजेज बहुत पसंद है, सबको ही होते हैं, बट शी इज़ वेरी सिंपल यार, तो उनके लिए मैं महंगी चीज़ लेने जाऊँ तो मुझे डांट पड़ती है, तो आई एम रियली गोना कंसिडर दिस टाइम, बट आई गोना बाय हर सम क्लोथ्स आई थिंक दिस टाइम. Of
हाँ तो म्यूज़िक वीडियोज़ हैं कुछ अभी, एक तो अभी वेब सीरीज़ मेरी चल ही रही है एंड वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर एवरी थिंग. दिस ईयर इज़ बिन वेरी वेरी काइंड. लास्ट ईयर भी बहुत अच्छा था और पैंडेमिक में हम लोग शूट कर रहे थे, बट दिस इज़ गोइंग टू बी स्पेशल. दिस ईयर आई फील इट्स गोइंग टू बी वेरी स्पेशल. आई लव यू गाइज, थैंक यू एवरीबडी फॉर सपोर्टिंग अस एंड नाउ सपोर्टिंग माई मदर. आज ही मैंने फोटो डाली है मॉम की, मिस इंडिया की जब वो कंटेस्टेंट रही थी, तो आई फील लाइक बड़ी मेहनत लगी मुझे. मुझे फेमिना से मंगाना पड़ा, मॉम से कुछ पुरानी फोटो निकालनी पड़ी, बट दैट आई फील दैट आई एम अ रिफ्लेक्शन ऑफ हर नाउ. फाइनली आई फील दैट बिकॉज आई नो आई हैव ऑलवेज बीन, बट जो ग्रेस है और जो कॉन्फिडेंस है मॉम में, वो मुझे आज दिखा जब मैंने उनकी पुरानी फोटोग्राफ देख रहा था व्हेन शी वन. Mic, Shraddha, mic nahi kat raha. Oh, she is giving it. Iska le lo, sir charger. Thank you Kunal, thank you everyone, and I wish you a happy Mother's Day. First of all, we are here to celebrate Mother's Day, to celebrate every mother. Each and every mother is respected in the earth, so I would like to thank to all of the mother, and thank you Midday for giving me this best stylist, best celebrity fashion stylist of the year. Thank you so much. Sana, what would you like to say? All I want to say is, jaise ki maine wahan par kaha ki there is this quote which says that behind every successful man there is a woman, but I believe behind every successful daughter there is a mother who trusted her and not the society. So I think ye bahut ala darje ka event inhone organize kiya hai, inka bada zarf aur nawazish hai ki unhone kiya. So I really appreciate and shukriya for the award. I think ye sari cheeze hame motivate karte hai ki hum zindagi mein aur aage acha perform kare aur grow kare. So yeah, and to all the mothers, you are a superwoman. I hope you know that. Yes, so happy Mother's Day. Happy Mother's Day. But honestly, I believe you know, it's specific day nahi hota hai ye celebrate karne ke liye. Har din ek Mother's Day hota hai. Every single day is a Mother's Day. Every day is a Mother's Day. Mother should be respected each and every minute and every day. Of course. What about your outfit? What do you say about your outfit? Of course. You tell me. It's by whom? I was styled by Mohit designer ka naam aap bol do. Of course, so Sana is styled by today. Sana is wearing Nivedita Sabu, one of the finest designer who have showcased their collection in Mumbai Times, Pune Times, everywhere. I hope Sana is looking very pretty in the very beautiful outfit. What do you mean by hope? I'm always pretty. Sana is always pretty, and why we should say that. Thank you so much. Shukriya. Thank you so much. Ek solo pe chale. आप लोग को बताना है, फीडबैक आपको देना है. So we are extremely, extremely feeling overwhelmed and pleasure to share this platform with a lot of talented artists, and it's been a big pleasure, sir, to give us this platform and opportunity. And over to Swati, let her take over and get her experience going. Yes. I've been to many of the awards and attended not many events, but ARMY and the award function, the ceremony what you people have held, it was wonderful. It is our honor to be a part of it and get awarded for superwoman. Being a woman, getting titled for that is the best award. It's a big, big, big title. Yes, and thank you so much. Mother's Day. Yes, that's on the Mother's Day. Thank you so much. Thank you so much. I would say just superpower. Whatever the award today we have got for being a superwoman, I think we should share our superpower also, because I believe we all can do everything and anything. But my superpower, I feel, is to spread the positivity around me, and that's how I become a superwoman. Thank you so thank much. Thank you so much. And thank you, Rupa, for giving us this opportunity. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir. Congratulations. Thank you, sir.
Thank you.